फिर से आ गया है कोरोना। घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। रुक करते हैं अपनी अगली बड़ी खबर का। बता दें कि इंडोनेशिया में खाद्य तेल के निर्यात पर पाबंदी हटने की अटकलें तेज होने और मांग कमजोर होने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों एवं मूंगफली तेल तिलहन कीमतों में गिरावट आई है। वहीं शुक्रवार रात को शिकागो एक्सचेंज की भारी गिरावट के बाद थोड़ा सुधार होने से सोयाबीन डिगम और पामोलियन के साथ साथ बिनौला तेल कीमतों में सुधार देखा गया। सोयाबीन तिलहन, सोयाबीन इंदौर तेल और सीपीओ सहित अन्य तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। बाजार सूत्रों ने बताया कि शिकागो एक्सचेंज में शुक्रवार को शुरुआत में लगभग 2.5% की गिरावट देखी गई थी, लेकिन देर रात में ये सुधार दर्शाते हुए 0.5% की गिरावट पर बंद हुआ था। इस सुधार के रुख की वजह से सोयाबीन दिल्ली एवं डिगम तथा पामोलियन तेल कीमतों में सुधार आया। रुपए में गिरावट आने से आयात महंगा होने से भी खाद्य तेल की कीमतों में ये मजबूती आई है। पर्याप्त मांग होने से बिनौला तेल कीमतों में भी सुधार हुआ। ऊंचे भाव पर कम कारोबार होने के बावजूद सोयाबीन इंदौर तेल सीपीओ और सोयाबीन दाना एवं लूज के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। सूत्रों ने कहा है कि पिछले साल तिलहन पर स्टॉक लिमिट का प्रतिबंध नहीं होने के कारण व्यापारियों ने सरसों का लगभग 30 लाख टन का स्टॉक रखा था, जिससे अक्टूबर नवंबर में सरसों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली थी। ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से सहकारी संस्थाओं को बाजार भाव पर सरसों का कुछ स्टॉक बना लेना चाहिए, जो आगे जाकर उनके काम आएगा। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक इस साल अधिक पैदावार होने के बावजूद सबसे सस्ता होने के कारण सरसों के से बाकी खाद्य तेलों की कमी को पूरा किया जा रहा है और भारी मात्रा में सरसों से रिफाइंड भी बनाए जा रहे हैं। सूत्रों ने सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग भी की है। कारोबारी सूत्रों के मुताबिक सरकार को खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयात शुल्क में कमी से बचना चाहिए और उसे तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन भी देनी चाहिए। तो ये थी बात कि दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों और मूंगफली तेल तिलहन कीमतों में गिरावट देखी गई है। तो बड़ी खबर में आज बस इतना ही, लेकिन और बड़ी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।